हटाए साजे वाले गहती कहाँ हो, जानी गम गमात है। और यहाँ के बाजार में और यहाँ में क्या फर्क है मैं पूछता हूँ भैया। 30 रुपए 1 किलो 30 रुपए 1 किलो बिस्मिल्लाह। देखो सो हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो स्वागत है एक नए ब्लॉग में जिसका टाइटल है बर्डपुर ब्लॉग। आज है स्पेशल सैटरडे शनिवार, तो मतलब चलते हैं अभी एक्सप्लोर करते हैं पूरा ब्लॉग। बहुत कोशिश करूंगा कि मतलब अच्छा अच्छा शूट करूँ और लोगों से सवाल करूँ। क्या हाल है भाई साहब? मस्त हो? कहीं नहीं खा रहे हो? क्या करें भाई, एक सवाल करूं आपसे। मैं ऐसे ब्लॉगिंग करता हूं और ब्लॉगिंग लाइक आपका ये जो वीडियो है फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? ना दिक्कत है? कैसे कब से काम करो तो भाई? अरे लगभग हो गया 10 साल हो गए। 10 साल से काम कर रहे हो? हर शनिवार को आते हैं यहाँ पे? और किस किस जगहों पे जाते हो? बाजार में तो जाते होंगे लाइक ये और गोबराहवा का, एंड गोबराहवा भी जाते हो? यहाँ तो स्पेशल आते ही होंगे। और हमारे अलीगढ़ आते हो आप? कहाँ पे रहा हो? वहीं पे लागत है कि देख अच्छा आप देखे रहे हो का? ये भाई जो मतलब मैंने वीडियो बनाया था अलीगढ़ वाला, उसको आपने देखा है? हाँ, वहाँ पे चिल्ला भी रहे थे, दो लोगों में कंपटीशन हो रहा था, आपने देखा था? क्या बात है, क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम, कहाँ से हो भैया? पुरानी नौगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच बताने के। खैनी वनी मत खाओ यार, शुक्रिया, थैंक यू। मेरा जो वीडियो है अलग अलग स्टेट के लोग देखते रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ गाइस उन लोगों के लिए है। इसका नाम है खुरमा, दिस इज खुरमा एंड दिस इज बुनिया मिक्सड गुड़, गुड़ के साथ है। ये है इमरती का कहा था ना, और जलेबी वो हुए। अच्छा इमरती और जलेबी में क्या फर्क है भाई? अच्छा मतलब ये कर आकार, अच्छा आकार अलग है, ये मतलब लंबा है, गोल है। खैनी का इतना तेज स्मेल है ना, इतना सॉलिड स्मेल है इसका कि दूर से मतलब महक आ जाती है इसकी। आज भी यहाँ पे भी कचड़ा ही है। मैं आया था एक्चुअली अपने काम से, तो मेरे को पता ही नहीं था आज की शनिवार है, तो मैं बोला यार मेरा ब्लॉग भी चलता है, चल के ब्लॉग बना लेते हैं। तो मैं बहुत कोशिश करूँगा कि सारा कवर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चीन सो अली हम बराबर देखे थे, हाँ मजे में बोलो। हटाए साजे वाले गहती कहाँ हो, जानी गम गमात है। अबे यार अभी तो इसका सीजन ही नहीं है, अभी करीब बाकी है कुछ। भैया भाई साहब क्या हाल है? ये पका मतलब अभी नहीं आई ना, अभी लेट लागी नहीं? कैसे दिए थो? 40 रुपये किलो। हमारे इधर बोलते हैं हरेरी, यानी कि अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो इसे बोलते हैं रुपाई। जब रुपाई हो जाता है ना, तो ये स्पेशल मतलब एक रेसिपी बनती है, वो खाते हैं। भैया सलाम अलैकुम, भैया पका है? तो कैसे दिए थो? वजन कह के छोड़ बड़ा से मतलब दे थो। हमारे इधर जब खेत मतलब ये वाला सीजन जो बरखे वाला सीजन होता है, जो मतलब सावन होता है, उसमें जब ख़त्म हो जाता है पूरे खेत की जो रुपाई हो जाती है, बैठौनी जिसे बोलते हैं, तो इसकी एक स्पेशल रेसिपी बनती है जो हम खाते हैं। हालांकि मैंने देख लिया, अभी पूछता हूँ भाई तो ये कैसे दिए थो दोस्त? छोड़ बड़ा लियो, मान लो मतलब मिसाल के तौर पे कितने का है? 45 रुपये का है। और क्या गारंटी है भाई कि मैं कुछ हुई कि नहीं? फोर के देखा भाओ पक्का? चलो ठीक है। कब से ही करो थो दोस्त? मतलब इससे पहले कौन आ गए हो? अंदाज बता सकते हो कि मतलब कै पीस हुए में? 25-30 बहुत है, 25-30 पीस। हेलो फोर के दिखाओ अल्लाह, थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा है माशाल्लाह, लेकिन छोटा है यार बिस्मिल्लाह। बड़वार ना है, लाओ देखिए बड़वार दियो, इतना बड़ा बड़ा जिसमें निकले भाई। अभी सीजन में ना आई है, उम्मे भारी बड़ा हुई ना, उम्मे भारी भारी, लेकिन यार मीठे नहीं है वो। दिखाओ दिखाओ कितने की आई? 180 रुपया। दिखाओ थोड़ा फोर के देखिए, बिस्मिल्लाह। देखो वो भरा है,
ये जगह ही नहीं खाली। हाँ थोड़ा निकालो, लाठू निकालो निकालो। भाई साहब बहुत मीठ है जो जो भाई, लेकिन यार एक तो पन्नी उन्नी थी ना, कहाँ से पन्नी है आपके पास? भाई बहुत मीठ है सच में। कहाँ रहा थे आप? नगर का ना है भाई आपका? चंदन। चंदन ना है वीडियो ना लगा। ऑन करो। बहुत अच्छा है, बहुत मीठा। चलिए चंदन भाई थैंक यू सो मच। अलगामा के बाजार में और यहाँ में क्या फर्क है मैं पूछता हूँ। भैया टमाटर कैसे दे थो? 60 रुपये। और परवर? 40 रुपये करो परवर, वही 60 रुपये किलो। अलगढ़ में तो थोड़ा डिफरेंस है। अलीगढ़ में 5 रुपये। धनिया कैसे दे थो? 10 का कितना? 50 ग्राम। और किलो कैसे भाई? किलो 200 रुपये किलो। थैंक यू। हाँ भाई मैं लेके जा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं अभी घर पे डांट पड़ेगी या शाबाशी मिलेगी, आई डोंट नो। लेकिन चीज़ बढ़िया है माशाल्लाह। इससे पहले यहाँ वो बंदा बोला है कि फटेगा नहीं। सौ का चार यानी 100 का 4 किलो। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच इतना मतलब सपोर्ट करने के लिए। जो लास्ट वाला ब्लॉग था जो मैंने अलगढ़वा का बनाया था, ऐसे ही शेयर करते रहे गाइज ताकि ऐसे ही मैं ब्लॉग लाता रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।